अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल 2023 में चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 22 मार्च बुधवार को हो रहा है, जो 31 मार्च तक है और इससे पूर्व ही पंचक लग रहा है। 19 मार्च को रविवार को पंचक लग रहा है। रविवार को प्रारंभ होने वाला पंचक रोक पंचक कहलाता है। 22 मार्च को चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और पूरे दिन पंचक है। अब लोगों के मन में सवाल है कि रोक पंचक में नवरात्रि की कलश स्थापना कैसे होगी, तो आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नवरात्रि शुरू होती है और पहले दिन सबसे पहले कलश स्थापना करते हैं और फिर माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इस साल 22 मार्च को रात 8:20 तक प्रतिपदा तिथि है। इस वजह से कलश स्थापना 22 मार्च को है। पंचक में कलश स्थापना पर रोक जैसी कोई बात नहीं। पंचक में कुछ कार्यों जैसे दक्षिण दिशा की यात्रा, छत बनवाना, चारपाई बनवाना, शैया निर्माण आदि नहीं कराते, लेकिन जिस तरह आप हर साल शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना या घट स्थापना करते हैं, उस विधि से ही इस बार भी कलश स्थापना होगी। वैसे इस साल चैत्र नवरात्रि के कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह में ही है, क्योंकि दोपहर में अभिजित मुहूर्त नहीं होने के कारण दोपहर का समय प्राप्त नहीं है। वैसे अभिजित मुहूर्त को कलश स्थापना करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस साल कलश स्थापना 22 मार्च को सुबह 6:23 से सुबह 7:32 के बीच तक किया जाना उचित है। कहते हैं कि नवरात्रि में कलश स्थापित करने से माँ दुर्गा की पूजा बिना किसी विघ्न के पूरी होती है, घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस बार शक्ति की उपासना का त्योहार चैत्र नवरात्रि पर बेहद दुर्लभ योग का संयोग बन रहा है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत शुक्ल और ब्रह्म योग से हो रही है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 मार्च को ब्रह्म योग सुबह 9:18 से 23 मार्च को सुबह 6:16 तक है। वहीं शुक्ल योग 21 मार्च को सुबह 12:42 से 22 मार्च को सुबह 9:18 तक है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना के समय साधक अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। ये भी ध्यान रहे कि जिस घर में कलश स्थापना होती है वहाँ साफ सफाई और पवित्रता बहुत जरूरी है। घट स्थापना और कलश स्थापना में फर्क होता है। कलश तांबे का होता है और घट मिट्टी का होता है। ज्यादातर लोगों को इन दोनों स्थापना के नियम पता नहीं होते और वे गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण उन्हें मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं घट स्थापना और कलश स्थापना की विधि और नियम। तो आइए जानते हैं घट स्थापना कैसे की जाती है। घट अर्थात मिट्टी का घड़ा, इसे नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें, फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें, एक बार फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव करें। इस तरह ऊपर तक पात्र को मिट्टी से भर दें। अब इस पात्र को स्थापित करके पूजन करें। जहाँ घट स्थापित करना है वहाँ एक पाट रखें और उस पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर फिर उस पर घट स्थापित करें। घट पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाएं। घट के गले में मौली बांधें और घट स्थापना में ये 10 गलतियां ना करें। घट में गंदी मिट्टी और गंदे पानी का प्रयोग ना करें। घट को एक बार स्थापित करने के बाद उसे 9 दिन तक हिलाएं नहीं। गलत दिशा में घट स्थापित ना करें। जहाँ घट स्थापित किया जा रहा है वहाँ पर और आसपास स्वच्छ स्थान होना चाहिए। शौचालय या बाथरूम के आसपास घट स्थापित नहीं होना चाहिए। घट को अपवित्र हाथों से नहीं छूना चाहिए। घट स्थापित करने के बाद घर को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। घट के जवारों को विधिवत रूप से ही नदी आदि में प्रवाहित करते हैं। घट की नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं। घट किसी भी रूप में खंडित नहीं होना चाहिए। और अब जानते हैं कलश स्थापना विधि। एक तांबे के कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर नाड़ा बांधकर उसे उस मिट्टी के पात्र अर्थात घट के ऊपर रखें। अब कलश के ऊपर पत्ते रखें। पत्तों के बीच में नाड़ा बंधा हुआ नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखें। अब घट और कलश की पूजा करें। फल, मिठाई, प्रसाद आदि घट के आसपास रखें। इसके बाद गणेश वंदना करें और फिर देवी का आवाहन करें। अब देवी देवताओं का आवाहन करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हो। आवाहन करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, नैवेद्य यानी फल मिठाई आदि अर्पित करें। तो भाइयों और बहनों, ये थी चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना और कलश स्थापना की पूजा विधि और नियम, और कुछ बातें जिन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। अगर इनको अपनाएंगे तो माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।